हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का अभी तक का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताया गया था, अपलोड नहीं किया गया था, उसका लेक्चर बात करेंगे। यस वाई बीकॉम वाले बच्चे एंड बीए दोनों का कॉमन सा सिलेबस है एंड पेपर पैटर्न भी आप लोगों का सेम होने वाला है, सेम फोर की अगर मैं बात करूं तो, जिसमें से यूनिट वन का आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एडवर्टाइजिंग में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने हैं, हर एक यूनिट का सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ताकि हर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं आप बात करूं आपका यूनिट वन एडवर्टाइजिंग मीडिया, जो यूनिट वन है, यूनिट वन का क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी ऑलरेडी मेंशन करूं, क्वेश्चन नंबर टू में ये पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन हमारा सर होता है ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स तो आपको खुद से प्रिपरेशन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर टू जो पूछा जाएगा आपका यूनिट वन से क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, जिन बच्चों को याद होगा पेपर पैटर्न ए बी सी, आपके तीन क्वेश्चन आएंगे ए बी सी, कवर कितना करना है सर, एनी टू, एनी टू आउट ऑफ थर्ड एंड 15 मार्क्स का रहेगा, कितने का रहेगा सर 15, मींस 8-7 वाला पैटर्न या फिर 7.5 का रहेगा। क्लियर है, क्लियर सर। अब बात करूंगा जब यूनिट वन पढ़ते हो, यूनिट वन टू थर्ड एंड फोर्थ जो भी आपका यूनिट है एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्स की, जब हम लोग बात करते हैं हर एक यूनिट में सर तीन पार्ट हमारे हैं, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, मींस फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप बोल सकते हो, समझने के लिए कॉन्सेप्ट, पार्ट वन पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड। क्लियर है, हर एक पार्ट से एक क्वेश्चन, मतलब सर एक क्वेश्चन आपका यहां से बनने वाला है पार्ट वन से, सेकंड क्वेश्चन सर यहां से बनेगा, थर्ड क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। इसका मतलब आपके माइंड में भी ये चीज आ गया कि सर अगर हम लोग हर एक पार्ट का मींस एक पार्ट ऑप्शन में रख दे तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, इजिली आपका दो क्वेश्चन कवर हो जाएगा, दो क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है सर, एनी टू कवर करना है, आउट ऑफ थ्री तीन में से दो कवर कर लो, जब हर एक पार्ट से एक क्वेश्चन बना, जिसका मतलब सिंपल सा है कि कोई भी एक पार्ट में ऑप्शन में रख दूं। अब ये डिपेंड करेगा कौन सा पार्ट मैं ऑप्शन में रखना चाहता हूं। बात करता हूं अगर यूनिट वन में, यूनिट वन जब मैं तीनों पार्ट अपना देखता हूं, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड, पार्ट वन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखो, टॉपिक इज ये बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या, 1 2 3 4 5 एंड यहां पे देखो पार्ट वन का टॉपिक का नाम क्या सर, ट्रेडिशनल मीडिया, जिसमें न्यूज पेपर एडवर्टाइजिंग, मैगजीन एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड फिल्म एडवर्टाइजिंग, सबका आपको एडवांटेज पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़ना मीन्स डिसएडवांटेज आपको पढ़ना है, सब टॉपिक है, जितने टॉपिक आपको 6 टॉपिक दिख रहे हैं ना, मींस 6 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 क्यों करना, क्योंकि सबका आपका एडवांटेज पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़ना मींस डिसएडवांटेज पढ़ना, सबका 6 के 6 टॉपिक का एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो मतलब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे 6 टॉपिक है बट 12 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, क्योंकि तो अलग-अलग क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसका इसलिए मेरा सजेशन है हर कोई बच्चा पार्ट वन कट कर देगा, पार्ट वन से प्रैक्टिस नहीं करने वाला है कोई भी बच्चा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे ज्यादा है। सेकंड देखो आप, जब सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूं सर, न्यू एज मीडिया की बात करूंगा, कितने क्वेश्चंस आप ये देखो, टॉपिक क्या है सर, एक तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग, इसको इंटरनेट भी बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम में ना इंटरनेट भी अगर करके आ गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग करके बोला जाता है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, तीन क्वेश्चन बन रहे, एक तो फॉर्म्स बन रहे, सेकंड एडवांटेज बन रहे, थर्ड हमारा सर लिमिटेशन बन रहे। क्लियर है, तीन क्वेश्चंस हमारे बन रहे, तीनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, कोई भी एक क्वेश्चंस आएगा। अब आप पूछोगे सर इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट दे दो, तो मेरा सजेशन है इस टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में से अगर पहला क्वेश्चन में पिक करूंगा तो पहला हमारा एडवांटेज है सर, सेकंड हमारा लिमिटेशन है, उसके बाद आएगा फॉर्म, इस वे से प्रैक्टिस करना, बट तीन क्वेश्चन है, रिस्क नहीं लेना, मेरा सजेशन है तीनों प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर है, सेकंड में सर पार्ट थर्ड हमारा सर मीडिया रिसर्च का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, 90% ये क्वेश्चन का आने का चांसेस है, 8-7 की बात करता हूं, तो इंपॉर्टेंस आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया रिसर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड लॉन्ग में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मीडिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, आने के चांसेस तो कम है बट करना पड़ेगा, अगर 100% अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो मैं बात करूं, एंड लास्ट की ये दोनों ना हमारे शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी बनता है इस टॉपिक में, अगर शॉर्ट नोट्स पूछोगे तो ज्यादा चांसेस आपके पार्ट थर्ड से बनते हैं ये दोनों क्वेश्चंस, तो बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 15+5 मार्क्स का हमारा शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएगा, तो मेरा सजेशन है इसीलिए ध्यान से सुन लो, सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट अगर कोई भी बच्चा कवर करेगा कंप्लीट कवर कर लेना, कंप्लीट कवर करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो ये 15 का टेंशन नहीं आपको, फिर
15 मार्क्स का टेंशन नहीं रहेगा। सेकंड बेनिफिट ये मिलेगा कि सर अगर दोनों पार्ट में अच्छे से करके जाता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लो 1, 2, 3, 4 + 3, 4 + 3, 7 क्वेश्चंस में आपका, 7 क्वेश्चंस में आपका ये 15 तो कंपलसरी कवर हो गया, प्लस शॉर्ट नोट्स का भी कवर होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई कर लो, 6 क्वेश्चन थे, 6 मल्टीप्लाई 2 कर लो, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, उसका बेस्ट है भाई यहां पे कर लो 7 क्वेश्चन में हमारा 2 यूनिट 15 मार्क्स भी कंपलसरी हो गया, वो तो मिलने ही वाला है हमको। शॉर्ट नोट्स का भी एडवांटेज मिल जाएगा अगर यहां से ये दो टॉपिक से शॉर्ट नोट्स हमारे बन गए तो सिंपल सा लॉजिक लेके चल रहे कि 2 यूनिट कवर कर लेने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें से बता दिया कौन सा है, पार्ट 2 में समझा दिया फर्स्ट ये कवर करना एडवांटेज, सेकंड लिमिटेशन, थर्ड हमारा फॉर्म्स कवर करना, पार्ट 3 में सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया रिसर्च, उसके बाद क्वेश्चंस आपको पढ़ना है मीडिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, नेक्स्ट हमारा सर फंक्शन ऑफ एबीसी, फंक्शन ऑफ एबीसी ना ये आप लास्ट में करना, उससे पहले ये दूरदर्शन कोड भी कर लेना क्योंकि दूरदर्शन कोड इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करोगे, फर्स्ट आपको ये करना है इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया रिसर्च, सेकंड आपको दूरदर्शन कोड करना है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, पहला आपको क्वेश्चन ये करना है, सेकंड क्वेश्चन ये करना है, थर्ड आपका ये है, लास्ट ये है, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस करो, जो बच्चा लास्ट में ये देखने वाला है तो भाई उनके लिए ये रिस्क वाला काम होता है कि सब उसमें से भी आप इंपॉर्टेंट कुछ हमको गाइड कर दो जो हम लोग इंडियन टाइम पे प्रैक्टिस कर सके, बट जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं तो उनको मेरा सजेशन कॉमर्स को लेके भी था एंड एडवर्टाइजिंग को लेके भी था कि कोई भी 2 पार्ट अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करो और वही पार्ट आपको इजी तरीके से बताओ जो आपको लिखने में, समझने में, याद करने में और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कम है ना वही टॉपिक आपको बताया जा रहा है कि मतलब वही 2 पार्ट अभी से प्रैक्टिस करना, साथ में स्टार्ट कर देना। इंपॉर्टेंस है भाई उस पार्ट में भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो इंपॉर्टेंस लास्ट टाइम जो बच्चा आके देखता है उनके लिए रहता है तो उनको रिस्क भी रहेगा। अभी कंपलसरी ऐसा नहीं है कि मैंने इंपॉर्टेंस को 90% या तो हो सकता है 10% का चांस भी तो है, इन केस दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी किसके लिए, जो एंडिंग में बच्चा देखेगा उनके लिए, बट जो बच्चे अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी से वीडियो देख रहे हैं, अभी से प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के ना, तो उनके लिए कोई रिस्क नहीं होना चाहिए भाई, रिस्क नहीं चाहिए। तो अभी से कोई भी 2 पार्ट जैसे इसमें बता दिया, पार्ट 2, 3 अच्छे तरीके से कवर कर लो, आप लोग का 15 मिनिमम मतलब आपका कवर होना ही होना, वो तो गारंटी मैंने दे दिया। 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट मिल सकता है, क्या बोला गया, मिल सकता है, चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं, 80% 2 पार्ट किया तो उसमें से बनने के चांसेस वैसे ही हमारे रहते हैं। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को ये 15 मार्क्स का टॉपिक समझ में आया होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने, कौन कौन से पार्ट हमारे कवर करने वाले, कवर करना है हमको सर एडवर्टाइजिंग में अभी से अच्छा स्कोर करने के लिए। चलिए फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर रह गया होगा यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवर्टाइजिंग में तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके एसवाई बीकॉम वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।